भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें क्रिकेट टेस्ट मैच से पहले रिंकू सिंह धर्मशाला क्यों पहुंचे? जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मशाला में ही भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा क्रिकेट टेस्ट मैच होना है, तो सोमवार को रिंकू सिंह धर्मशाला पहुंचते हैं। क्यों पहुंचे आज आपको बताऊंगा। क्या रिंकू सिंह पांचवें टेस्ट का हिस्सा हो सकते हैं या कोई और वजह है, इस पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा एवं आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा और उससे पहले रिंकू सिंह जो है वो धर्मशाला पहुंचते हैं, टीम से जुड़ते हैं। तो क्यों जुड़ते हैं? आपको बता दूं कि ये जो पांचवा टेस्ट मैच होना है, तो एक जो सवाल मन में आता है कि चूंकि केएल राहुल इस टेस्ट से बाहर हो गए हैं, तो क्या रिंकू सिंह टीम में जोड़े गए हैं? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वो टेस्ट टीम का हिस्सा रहे थे, जो टीम थी, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में अवसर नहीं मिला था। तो क्या यहां पर वो जो है भारत की टेस्ट टीम उसके साथ जुड़ेंगे? तो देखिए, जो खबर है वो ये है कि वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि रिंकू सिंह धर्मशाला इसलिए गए थे क्योंकि आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक प्रोबेबल खिलाड़ियों के का जो है, जो भारतीय टीम के संभावित खिलाड़ी जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनका एक स्पेशल फोटोशूट था। तो इस फोटोशूट में हिस्सा लेने के लिए रिंकू सिंह धर्मशाला पहुंचे। अब जब मैं कहता हूं कि संभावित खिलाड़ियों के लिए यह फोटोशूट था, तो इसका मतलब ये आप निकाल सकते हैं कि रिंकू सिंह, अभी आईपीएल हुआ नहीं है, लेकिन अपने पिछले प्रदर्शन के बूते T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्योंकि अभी देखिए, आईपीएल के बाद कुछ और खिलाड़ियों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जब रिंकू सिंह को धर्मशाला बुला लिया गया, इसका मतलब ही है कि वो संभावित खिलाड़ी हैं और बहुत संभावना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में आपको भारतीय टीम के साथ खेलते हुए दिखेंगे, मतलब कि प्लेइंग 11 में दिखेंगे। क्यों दिखेंगे ये भी बता दूं। देखिए, ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ कौन बल्लेबाजी की शुरुआत करेगा, वहां बहुत सारे विकल्प हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है भारतीय टीम के साथ, जो इसे पिछले कुछ सालों से परेशान करता आ रहा है, कि फिनिशर की भूमिका में कौन होगा। तो रिंकू ने जो मैचेस खेले हैं अब तक भारत के लिए, उसमें उन्होंने फिनिशर की भूमिका निभाई है और सफलतापूर्वक निभाई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि रिंकू सिंह जो आगामी T20 विश्व कप है, उसमें भारतीय टीम में जरूर शामिल किए जाएंगे और वो भी प्लेइंग 11 में। और इसी का आप कह सकते हैं कि एक आप सिंबल कह सकते हैं, एक संकेत है कि रिंकू सिंह स्पेशल फोटोशूट के लिए धर्मशाला पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें टीम के साथ जुड़ना होता तो वो वहां रुकते, लेकिन जो खबर है कि स्पेशल फोटोशूट के बाद रिंकू सिंह जो है वापस मुंबई लौट गए, जहां पर जो केकेआर उनकी फ्रेंचाइजी टीम है, उसका जो है एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए रिंकू सिंह वापस धर्मशाला से मुंबई आ गए। लेकिन जब रिंकू धर्मशाला पहुंचे, तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि रिंकू सिंह आगामी T20 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। और क्यों होंगे, इसकी एक वजह मैंने आपको बताई कि वो फिनिशर का रोल अदा करेंगे, मतलब नंबर 5 नंबर 6 पर वो बल्लेबाजी करेंगे। और जो उन्होंने अब तक 15 मैच खेले हैं, जिसमें 11 पारियां हुई हैं, उसमें उन्होंने ज्यादातर नंबर 5 और 6 पर ही बल्लेबाजी की है और उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। अगर पर इनिंग बाउंड्री की आप औसत निकालें, तो लगभग 3 बाउंड्री जो है उनका पर इनिंग आता है, और इसके अलावा जो है उन्होंने 11 पारियों में
356 रन बनाए हैं, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है लोअर डाउन दी ऑर्डर। और इसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट है जो T20 इंटरनेशनल में बहुत महत्व रखता है वो है 176.23। तो स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो उनका जो प्रदर्शन रहा है 250 भी उन्होंने लगाई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि रिंकू सिंह टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अभी आपके लिए सूचना यही है कि रिंकू सिंह जो है वो धर्मशाला में टीम इंडिया के साथ हुए सोमवार को। क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि वहां आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के संभावित खिलाड़ियों का एक स्पेशल फोटोशूट था, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और इसके बाद वहां पर अपने प्रशंसकों को उन्होंने ऑटोग्राफ्स भी दिए और फिर इन सब के बाद वो वापस मुंबई लौट गए अपनी फ्रेंचाइजी टीम KKR के प्रैक्टिस सेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।